हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं आज इस पे डिस्कशन करने के लिए आया हूँ कि आरआईएमसी ने इतना मुश्किल पेपर क्यों दे दिया। जहाँ आरआईएमसी ने एक ट्रेंड फिक्स कर रखा था कि ठीक है, कुछ वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, कुछ स्पीड ट्रेन डिस्टेंस है, सिंपल एकदम अर्थमेटिक होता था और अपना वही घिसे पिटे क्वेश्चन। लेकिन इस बार 180 डिग्री पर मैथ्स के पेपर की अगर मैं बात करूँ, आरआईएमसी ने टर्न ले लिया। तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे भाई, क्यों इन्होंने इतना हार्ड पेपर में, हार्ड कहूँगा क्योंकि देखो सिलेबस कुछ और दिया था, बच्चे वहाँ पे कुछ और करके गए। और ऐसा बात नहीं है कि सारे बच्चे इसमें फेल कर गए, नहीं, इसमें भी बच्चे पास होंगे क्योंकि अब चेक कर होता है बच्चे का। वो जब बच्चों को हम शुरुआत से कहते रहते हैं कि आसान आसान क्वेश्चन करना, अब जब हम बच्चों से कहते हैं आसान आसान करना, सर कहने लगे इसमें आसान था क्या। मैं वो क्वेश्चन भी गिनाऊंगा जो आसान आसान क्वेश्चन किए जा सकते थे, करने थे आपको, वो क्वेश्चन सबसे पहले करने थे, वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। और साथ में बताऊंगा जनरल नॉलेज के सेक्शन में किस तरह से हमारी सीरीज से क्वेश्चन की भरमार आई, और ये भी बताऊंगा कौन कौन सी वीडियो से कहाँ कहाँ क्वेश्चन आए। क्लियर? तो भाई देखो, आखिर आरआईएमसी ने इतना मुश्किल पेपर क्यों दिया, इस पर आज हमारा डिस्कशन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो। देखो भाई, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई जनरल नॉलेज की। मैं थोड़ा जनरल नॉलेज को ब्रीफ कर देता हूँ। जनरल नॉलेज में अगर मोटे तौर पे क्वेश्चन देखे, अगर हम लोगों ने जो करंट अफेयर के 200 करंट अफेयर के डाले थे, अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन आया था इग्लू रेस्टों करके, तो आखिरी की जो करंट अफेयर जो बच्चे उसको देख के गए वहाँ, या हमारी जो वीकली करंट अफेयर आते थे वहाँ पर भी वो क्वेश्चन है अवेलेबल है अभी भी, जो आखिरी के 50 क्वेश्चन पार्ट फोर में आए वहाँ पर और वहाँ पर भी। इसके अलावा मैं डेज जो दोनों दिन आए हैं, दोनों दिन के क्वेश्चन है कहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं जाके, जो मैंने 50 डेज 8 मिनट की वीडियो 5 मिनट की वीडियो डाली, दोनों क्वेश्चन है, जाके चेक कर लो अभी भी वीडियो में। इसके अलावा मैं जो कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर पे मैंने बिल्कुल स्पेशल हाईलाइट किया था कि भाई इसको नहीं भूल सकते आप, इसको नहीं कर सकते, वो जाके चेक कर सकते हैं आप। इसके अलावा बहुत सारे जो क्वेश्चन है हमारे जो स्टैटिक के हैं, आप जाके चेक कर लो, जैसे सबसे बड़ी लेक है या इस तरह के क्वेश्चन है, जाके हमारे जो सुपर मॉक टेस्ट है या जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं, जो भी सुपर मॉक टेस्ट है उसमें जाके चेक कर लो, आपको गारंटीड क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटीड क्वेश्चन मिलेंगे। अगर किसी बच्चे को कह रहे नहीं सर नहीं मिले, तो हमें बता देना, कमेंट कर देना, हम आपको वो लिंक भी शेयर कर देंगे कौन से उसमें कहाँ पे है क्वेश्चन। तो ऐसे में जब हम कहते रहते हैं कि भाई ठीक है, हम लोग देंगे आपको जनरल नॉलेज में, आप बिल्कुल किसी भी हालत में फेल नहीं होने देंगे, तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे विश्वास नहीं करते, बहुत सारे बच्चे विश्वास भी करते, देखते भी हैं और उनको रिजल्ट मिला भी होगा। तो आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना कि जो भी हम मटेरियल डालेंगे YouTube पे, जो भी कंटेंट हम दिसंबर वाले सेशन के लिए डालेंगे, तो उनको वहाँ पे ज़रूर उससे फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं उससे फ़ायदा नहीं होगा। चलिए अभी मैं आपको पेपर पर लेके चलता हूँ। देखो, अब थोड़ा पेपर को देखते हैं भैया, ये मैथ्स का पेपर मैं अभी लेके आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जीके का पेपर आता नहीं है, इंग्लिश का पेपर ठीक है, बच्चों का बिल्कुल सेम सही पैटर्न आया, थोड़ा सा इस बार ऐसे वगैरह हटा दिया इंग्लिश से, लेकिन यहाँ पे आते हैं, सबसे बड़ा धोखा बच्चों के साथ यहाँ हुआ मैथ्स के पेपर में। अब बच्चे कहते हैं सर ये मैथ्स का भाई देखो इसमें क्या क्या बातें हैं, एक तो ये मैथ का पेपर कम, ये आपका एनालिटिकल रीजनिंग का पेपर ज़्यादा है, जो कैट वैट के फॉर्मेट होते हैं ना इस तरह से, तो आपको एक मतलब वहाँ पर डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग आपकी तो वो वाली है, एक एक फॉर्मूला बेस्ड पेपर कम रह गया। तो होना क्या था इसमें, सबसे पहले इस पेपर को मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा कि 100 मार्क्स पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 100 मार्क्स निकालने चाहिए ना, तो 100 मार्क्स इस पेपर में कैसे निकलते उसको जरा देखो, वो जरूरी है। जैसे ही आपने देखा, इस क्वेश्चन को छोड़ देना था बच्चों को, समय बर्बाद नहीं करना था, ये क्वेश्चन तुरंत कर लेना, क्वेश्चन नंबर दो को तुरंत करना था बच्चों को, और क्वेश्चन नंबर तीन को भी तुरंत करना था, पहले को छोड़ देना था, दूसरे और तीसरे को तुरंत लपक लेना था, तो 10 नंबर हो गए यहीं पे भाई, 10 नंबर हो गए यहीं पे। चौथे को छोड़ देना था, पांचवे में एक पेयर आपको सीधा सीधा मिल जाना था, तो उसका आधा पोर्शन कर लेना था, 12.5 नंबर हो गए। पांचवे में जो लीस्ट टू पेयर निकालने थे नेचुरल नंबर के, उसमें आपको एक हाफ पोर्शन मतलब 2 रख के वैल्यू वो निकाल लेना था, बाकी आधा छोड़ दो, 12.5 नंबर हो गए। इसको छोड़ना था एलियन वाले को, ठीक है, ये क्वेश्चन विजिबल नहीं है, क्या क्वेश्चन है, चलो ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। एक ये क्वेश्चन है भाई आपका, ये वाला दसवां क्वेश्चन तुरंत करना था, टेंथ क्वेश्चन तुरंत करना था, टेंथ वाला, ठीक है, टेंथ क्वेश्चन को तुरंत कर लेना था, तो कितने हो गए भाई, 17.5, 17.5, ये मिक्की माउस वाले को तुरंत करना था,
तुरंत करना था मिक्की माउस वाले को, कितने हो गए 22.5। ठीक है, क्रंची वाले को होल्ड कर सकते थे, वैलेंटीन वाले को होल्ड कर सकते थे, ये हो गया, ये कर लेना था आपको 22.5। ये वाला सबसे आसान, देखो ये सीरीज वाला सबसे आसान है सीरीज वाला, 27.5 नंबर हो गए। अब तक मैं वे क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, जो कह रहे हैं कि भाई नहीं सर बिल्कुल हालत से खराब नहीं। देखो वो स्ट्रेटेजी हम बार बार करते हैं, पहले आसान क्वेश्चन कर लो, योर चॉइस, आपकी चॉइस वो ही बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको सिलेक्शन करना आना चाहिए क्वेश्चन का। 27.5 नंबर अब तक मैं बता चुका हूँ, ठीक है, आशा और अलीशा को इनको छोड़ दो। 27.5 और 5 नंबर का बिल्कुल श्योर है, 32.5 5 नंबर ये है, 37.5 ठीक, 37.5 और 5 नंबर ये है, 42.5 नंबर और ऊपर मैंने वो दो क्वेश्चन जो विजिबल नहीं है उसमें से भी एक दो क्वेश्चन ड्यूएबल है, मतलब लगभग 47.5 50 नंबर आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं, 50 नंबर बिना किसी सरदर्द के आपके हो गए। सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ मैं, अब आगे चलते हैं, चलो पहला छोड़ दो, ऑक्टोपस वाला चलो बाद में करेंगे, जो मैं सीधा बताऊंगा पहले ये वाला हो जाएगा ए और बी विलेज में, ठीक है, एक इक्वेशन बननी है सीधी सीधी विलेज में, 10 नंबर सीधे होने थे आपके, 10 उसमें जो आपका था वो तीन आदमी तीन गड्ढे खोदते हैं, वो पांच वाला मैं जो बता रहा हूं वो वाला था क्वेश्चन था वो, ठीक है, वो पांच गड्ढे वाला, 10 हो गए इसमें, ये वाला सीधा होना था, डायग्राम वाला कॉपी वाला डायग्राम वाला सीधा होना था, 10 और 10 20 हो गए, ये मैंने बताया 100 स्टूडेंट होना था, ठीक है, और ये हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट छोड़ दो, लेकिन ये क्वेश्चन होना था हाउ मैनी परफेक्ट क्यूब्स, परफेक्ट क्यूब वाले को क्या करना था आपको लिख के निकाल लेना था सीधा सा 30 और लास्ट वाला, तो 40 नंबर बच्चों आपके ये हो गए, कितने हो गए भाई 90 नंबर, ये 90 नंबर हो गए सीधे। अब आपका टारगेट बनता है पूरे पेपर में से 10 नंबर और निकालने का, मुझे लगता है कि जब फिर ये इतने सारे क्वेश्चन जो आपने स्किप किए हैं तो इनमें से आपको जैसे नताशा देरार ये वाला ऑक्टोपस वाला, इनमें से अगर आप सारा कुछ ना कुछ ट्राई करते बच्चे तो इनमें से आपको 10 नंबर इनमें से भी निकल जाते, लेकिन सबसे पहले वो 90 नंबर जो मैंने आपको गिनवाए बिल्कुल श्योर सटीक 90 नंबर लेने थे, बस ये था इस पेपर की स्ट्रेटेजी। अब बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी डाउट आ रहा है कि सर कट ऑफ क्या नीचे जाएगी, भाई इसकी मैं अलग डिस्कशन करेंगे हम, अभी मैं इसकी ऑफिशियल आंसर की मंगवाऊंगा, अभी देखना। एक बात और, इस पेपर में बहुत सारी गलतियां भी हैं, हम उन गलतियों पे नहीं जाना चाहते। आरआईएमसी की ये बात रहती है कि नहीं सर मतलब आरआईएमसी क्या आपने नोटिफिकेशन में देता कि 11.5 से लेकर 13 साल तक का बच्चा होना चाहिए, 11.5 से लेकर 13 साल तक जब एडमिशन लेगा, जब बच्चा तैयारी कर रहा हो तब तो वो 10 साल का ही होना चाहिए। अब 10 साल के बच्चा होना चाहिए या 10 साल का बच्चा करेगा, आप खुल के बताओ ना कि 10 साल का बच्चे को, भाई 10 साल का बच्चा हम लोगों को गांव ग्रामीण का बच्चा नहीं चाहिए, हम लोगों को बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए, फिर ऐसे में इनको 10 साल का बच्चा नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा 16 साल का बच्चा इनको मिलेगा, वही फिर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो, फिर उसमें एज कम ज़्यादा होती है, फिर ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये तो आरएमसी ने खैर बहुत ही इनका गलत तरीका, चलो ठीक है, ये जब इतना टफ पेपर इनसे मतलब ये कुल मिला के मैं कहूँगा ये सुझाव ही है, इनको नसीहत है कि जब ये इतना टफ पेपर दे तो कम से कम 2 रुपये का पेज तो अच्छा यूज कर लो, इतना घटिया पेज यूज करते हैं, इतना बेकार पेज यूज करते हैं कि इसमें ना क्वेश्चन दिख रहे हैं ना कुछ, पता नहीं कैसे घिसीपिटी प्रिंटिंग को देते, वैसे तो डिसिप्लिन के सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बताते हैं इसको, इनसे मैं आंसर की मंगवाऊंगा, इनसे कॉपी भी मंगवाऊंगा, ठीक है, इनसे सारी चीज़ मंगवाऊंगा, ये सारी चीज़ देंगे मुझे, क्लियर, आरटीआई लगेगा तभी, वैसे देते भी नहीं है जवाब, वैसे मैं बताऊँ ये देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट सबसे बड़ी ऑटोनॉमी संस्था मानती है अपने आप को, ये कुछ जवाब नहीं देते, लेकिन आरटीआई में तुरंत देते हैं, पता है इनको आरटीआई में जवाब देना पड़ेगा नहीं तो नपेंगे, ये जो उनसे धाराएं ये खुद बताते हैं, खुद लगेगी इनको नहीं तो, ठीक है, तो ये आरटीआई के थ्रू जवाब देते हैं, वैसे कुछ जवाब भी नहीं देते। और अब तो इनसे मैं आंसर की भी मंगवाऊंगा, इनसे मैं इनका सोल्यूशन भी मंगवाऊंगा कि भाई इन्होंने किस, उसमें पता चल जाए कितने क्वेश्चन इनके गलत भी थे, सो दैट मुझे यकीन है कि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो 90-95 के दायरे में फंसेंगे, बहुत बच्चे होंगे 90-95-98, और वो किसकी बदौलत, इनके गलत सवाल देने की वजह से, इनके आंसर की वगैरह सवाल का क्या था उसमें मिसप्रिंट ये सब चीज, तो वहां से बाद में वो साबित होएगा। तो ऐसे में हमारा टारगेट है कि हम जल्दी इनसे आंसर की वगैरह मंगवा लेंगे, तो आपको अगर एक सही तैयारी करनी है सटीक तैयारी करनी है
तो आप हमारे हॉस्टल को विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमने कल भी बताया था कि अभी तक किसी इंस्टीट्यूशन ने पूरा सोल्यूशन नहीं डाला, लेकिन यूट्यूब पे हमारे पूरा सोल्यूशन आ चुका है। हमारी टीम ने कल ही पूरा सोल्यूशन तैयार कर दिया था, और जब मैं सोल्यूशन डालने जा रहा था, टीम ने कहा नहीं सर, इसको आप होल्ड कर लो, देखते हैं वो क्या ये सोल्यूशन हमारे सोल्यूशन पे बेस ही चलेगा या और अदर अकेडमीज भी सोल्यूशन डालेगी। लेकिन आप देखेंगे अभी तक सोल्यूशन नहीं आया, हमारी पूरा सोल्यूशन आ चुका है। तो इससे आपको ये यकीन तो हो जाएगा कि भाई कितनी अच्छी टीम हमारी है, बहुत अच्छी टीम हमारे यहाँ पे है, बिल्कुल एकदम डेडिकेटेड टीम है। जिसको आता है, जिसको टीचिंग वास्ते में आती है, वो टीम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो भाई, इस तरह के पेपर से घबराना नहीं है, आगे से ध्यान रखना कि 90 से कितना भी मुश्किल पेपर दे ले, एक सीख हमें इससे मिलती है कि इस पेपर से कितना भी मुश्किल पेपर दे ले, लेकिन आपको पास होने का बंदोबस्त एग्जामिनर जरूर देगा। जैसे आज के पेपर में आपने देखा 90 मार्क्स आपको सीधे सीधे एग्जामिनर ने पेपर में दिए थे, 90। तो आपको 100 चाहिए थे तो 90 तो दिए थे, और 10-15 नंबर वैसे भी निकलते, स्टेप मार्किंग भी है, तो 100 नंबर तो कहीं ना कहीं कितने भी मुश्किल पेपर में एग्जामिनर आपको दे रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।